डियर स्टूडेंट, रीड 2022 की लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश और सेकंड दोनों के लिए आज हमारा टॉपिक है द इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, उनका किस तरीके से यूज होता है और इसको हम कैसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके सीख सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नोट्स के माध्यम से। सबसे पहले देखिए, इंटरजेक्शन एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और द इमोशन ऑफ माइंड, यानी सडन फीलिंग एकदम से मन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर आने वाली फीलिंग और इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इमोशन देखिए, अगर खुशी का इमोशन है जॉय, तो इंटरजेक्शंस वर्ड कौन से यूज होंगे, हुर्रा, हुर्रे, हा हा, हिप हिप हुर्रे। एग्जांपल देखिए, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। जब अगर कोई व्यक्ति खुशी में कुछ एक खुशी का पल उसको महसूस होता है तो वो ऐसे वर्ड्स यूज होता है जैसे हुर्रे, हुर्रा। तो ये सारे किसको, इमोशंस को शो कर रहे हैं, जॉय को। अगर खुशी का इमोशन शो होगा तो इंटरजेक्शन कौन कौन से देखिए, हुर्रा, हुर्रे, हा हा, हिप हिप हुर्रा, ये वर्ड्स हैं। और अगर हम सेंटेंस में एक्सप्रेस कर रहे थे कि हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हुर्रा वी हैव कम्प्लीटेड द वर्क, इस तरह से आप कुछ भी बोल सकते हैं, हुर्रा वी हैव कम्प्लीटेड आवर मिशन, इस तरह से हम बोल सकते हैं। उसके बाद देखिए, सोरो, यानी कि अगर दुख का इमोशन है तो हमारे कौन से वर्ड्स इंटरजेक्शंस यूज होंगे, अलास, आह, ओ, तो ये हमारे दुख को प्रकट करने वाले, जैसे अल्लाह, शी इज नो मोर, वह इस दुनिया में नहीं रही, ओ, आह, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं, ये सोरो को, दुख को प्रकट करते हैं और इसे हम सेंटेंसेज में यूज कर सकते हैं। आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे ओ व्हाट ए पिटी दैट बॉय फेल डाउन फ्रॉम अ बिल्डिंग, इस तरह से हम बोल सकते हैं। या हम ये बोल सकते हैं, अलास शी इज़ नो मोर नाउ। उसके बाद देखिए, सरप्राइज, सरप्राइज को हम, यानी कि आश्चर्य को, अगर हमें किसी चीज़ पर हैरानी हो रही है तो हम कौन सा इंटरजेक्शन वर्ड यूज करेंगे, ओह व्हाट, हा, जैसे ओह यू आर हेयर, अरे तुम यहाँ हो या तुम यहाँ, तो ये क्या हो रहा है, सरप्राइज को शो कर रहे हैं हम, ओह व्हाट, हा, इस तरह के वर्ड्स इंटरजेक्शन वर्ड से हम किसको शो कर रहे हैं, सरप्राइज को। अचानक हमें कोई सरप्राइज मिला, हम ऐसा कोई भी चीज़ नहीं सोच रहे थे लेकिन वो अचानक कोई चीज़ हमने देखी, सुनी और महसूस की, तो हम कौन से सरप्राइज के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं, ओ व्हाट एंड हा। उसके बाद है एप्रिसिएशन, यानी प्रशंसा, तो यहाँ पर देखिए, ब्रावो हियर हियर, ब्रावो यू हैव डन वेल, ब्रावो शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये प्रशंसा के लिए है। हियर हियर इंटरजेक्शन वर्ड्स का भी यूज हो सकता है। उसके बाद कॉलिंग, बुलाने के लिए, हेलो, हे, हो, हेलो, वेयर आर यू लुकिंग एट, आप कहाँ देख रहे हैं, तो ये पुकारने के लिए है, किसी के संबोधन के लिए है। उसके बाद है कंटेम्प्ट, जिसे हम नफरत के रूप में कह सकते हैं, पुह, फे, हाउ डर्टी, कितना गंदा, तो यहाँ पर किसी चीज़ पर घृणा करने के लिए, नफरत करने के लिए या नीचे दिखाने के लिए, इस तरह का जो है इंटरजेक्शन वर्ड है। उसके बाद ड्राइंग अटेंशन, अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए, लुक, लिसन और बिहोल्ड, तीनों अलग अलग वर्ड है। लुक, देखो, योर पर्स इज ओपन, आपका पर्स तो खुला हुआ है, तो यहाँ पर अटेंशन के लिए है, किसी की भी अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए या बताने के लिए इन वर्ड्स का, इंटरजेक्शन वर्ड्स का यूज होता है। लुक का मतलब देखो, और फिर आप किसी को कोई चीज़ के बारे में बता रहे हैं, लिसन का मतलब सुनो, बिहोल्ड का मतलब रुको, देखो, इस तरह से हम बता रहे हैं इंटरजेक्शन वर्ड्स को। तो हमने इमोशंस को सीखा, जॉय के अंदर किस तरह का इंटरजेक्शन वर्ड है और किस तरह से सेंटेंस में यूज किया जाता है, सोरो एक इमोशन है उसके लिए कौन सा इंटरजेक्शन वर्ड है, सरप्राइज के लिए कौन सा है, एप्रिसिएशन के लिए कौन सा है, कॉलिंग के लिए कौन सा है, कंटेम्प्ट के लिए कौन सा है, और ड्रॉइंग अटेंशन के लिए कौन सा इंटरजेक्शन वर्ड्स है, और किस तरह से उसका सेंटेंस में यूज करना है, ये भी आपने समझा। तो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएँ एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।